देश क्या सीबीएसई बोर्ड क्लास 12 की परीक्षाएं कैंसिल हो जाएगी, क्योंकि सीबीएसई बोर्ड क्लास 12 की परीक्षाओं को कैंसिलेशन कराने के लिए नरेंद्र मोदी जी को लेटर लिख दिया गया है। साथ ही साथ सीबीएसई बोर्ड कैंसिलेशन को लेकर मीटिंग को लेकर भी सबसे बड़ी खबर आ रही है, क्योंकि नरेंद्र मोदी ने ही क्लास 10 की परीक्षाओं को कैंसिल कराने के लिए एजुकेशन मिनिस्टर के साथ जो है इमरजेंसी मीटिंग की थी, उसके बाद क्लास 10 की परीक्षाओं को कैंसिल की गई थी। वहीं दूसरी तरफ क्लास 12 की परीक्षाओं को कैंसिलेशन को लेकर पूरे देश भर में छात्रों की आवाज जो है रेज्ड हो रही है। ट्विटर पे सीबीएसई बोर्ड और आपके एजुकेशन मिनिस्टर जी और नरेंद्र मोदी जी को लगातार छात्र जो है ट्वीट करके बता रहे हैं कि सीबीएसई बोर्ड की परीक्षाओं को अभी कराना देश में पूरी तरीके से सही नहीं है। सीबीएसई बोर्ड की परीक्षाओं को कराना यानी छात्रों को जानबूझकर परीक्षाओं में और उनके हेल्थ के साथ खिलवाड़ करना, क्योंकि पूरे देश भर में आपको पता कोविड क्राइसिस भारत में हाइपर है, तो ऐसे में भारत का हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर भी जो है पूरी तरीके से एक्सपोज हो गया है। अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी और बेड की कमी ये दर्शा रहा है कि देश में कंडीशन बहुत ही खराब है। तो ऐसे में क्लास 12 की परीक्षाओं को लेना कितना सही होगा, सबसे बड़ी खबर जो आ रही है देश के छात्र और पेरेंट्स जानना चाहता है। नरेंद्र मोदी जी से सभी लोगों की गुहार है कि क्लास 12 की परीक्षाओं को भी कैंसिल की जाए, बोर्ड एग्जाम्स को कैंसिल किया जाए, क्लास 12 के छात्रों को इंटर असेसमेंट के बारे में पूरी विचार किया जाए, क्योंकि देश में क्लास 12 की परीक्षाएं ही नहीं सब कुछ है, क्लास 12 की परीक्षाओं से कहीं ज्यादा क्लास 12 के छात्रों को उनका लाइफ है, क्योंकि लाइफ नहीं होगा तो एग्जाम सीबीएसई बोर्ड करा ही की कैसे। सीबीएसई बोर्ड के लिए क्या डज नॉट मैटर लाइफ, स्टूडेंट्स का लाइफ काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लाइफ होगा तभी स्टूडेंट्स एग्जाम देंगे, और छात्रों को जानबूझकर तब देश भर में अलग अलग कंट्रीज ने ऑल एग्जाम्स को कैंसिल कर दिए। एक्चुअली भारत में ही कई सारी आपके जो स्टेट है उन्होंने जो है आपके यूनिवर्सिटीज के स्टूडेंट्स को आपका जो है प्रमोट कर दिया, तो क्या सीबीएसई बोर्ड क्लास 12 के छात्रों को एग्जाम्स को कैंसिल करके उन्हें प्रमोट नहीं कर सकती। सबसे बड़ी खबर जो है यानी कि पूरे देश भर में जो है लेटर में बड़ी बातें की गई है कि अगर परीक्षाओं को करवाया जाता है तो केवल छात्र ही नहीं बल्कि छात्र के साथ साथ टीचर्स और फैमिलीज भी जो है उनके रिस्क में आएंगे। तो ऐसे में सीबीएसई बोर्ड को परीक्षाओं को करवाना पूरी तरीके से भारत में सही नहीं होगा, सीबीएसई बोर्ड की परीक्षाओं को कैंसिल की जानी चाहिए। और वही बड़ी बातें मान लीजिए पूरे देश भर में जो है एग्जाम्स को कैंसिल कराने की तो मांग छात्रों की भी है, लेकिन साथ साथ जो है पूरे देश भर के आपके जो बड़े बड़े लोग जो है स्टूडेंट्स के सपोर्ट में आ रहे हो। ऐसे में मीडिया का मानना है यानी मीडिया की माने तो उन्होंने कहा है कि क्लास 10 को लेकर जिस तरीके से मीटिंग हुई थी क्लास 12 को भी रिव्यू कर रहे हैं नरेंद्र मोदी, और ये हो सकता है कि जल्द ही जो है इंटरनली वो फिर से एक मीटिंग बुलाएं जिसमें क्लास 12 को लेकर भी बड़े फैसले करें, क्योंकि छात्र जो है डिप्रेशन में है, वो 1 जून तक के लिए जो है पूरी तरीके से वेट नहीं कर सकते, देश में कंडीशन काफी खराब है। तो ऐसे में 1 जून तक के लिए और साथ साथ स्टूडेंट्स का जो अगर आपकी पढ़ाई के दौरान किसी क्वेश्चन में डाउट आ गया है तो घबराइए नहीं, डाउटनेट है ना, आपके किसी भी क्वेश्चन में डाउट है उसकी सिंपली एक फोटो क्लिक करिए, फोटो खींचने के बाद आपको क्वेश्चन को क्रॉप कर लीजिए, 5 सेकंड के अंदर आपको मिल जाएगा डाउटनेट पे वीडियो सॉल्यूशन, चाहे वो आपका क्वेश्चन होमवर्क का हो, सीबीएसई का हो, यूपी बोर्ड का हो, महाराष्ट्र या किसी अन्य बोर्ड का हो, सबका सॉल्यूशन आपको मिलेगा डाउटनेट पे। क्लास 6 टू 12 के क्वेश्चन हो, आईटी जेई मेंस एंड एडवांस के क्वेश्चन हो, या फिर आपके क्वेश्चन फिजिक्स के हो, केमिस्ट्री के हो, मैथ हो, बायोलॉजी हो, आपके सभी सवालों के जवाब मिलेंगे डाउटनेट ऐप पर। साथ ही अब डॉटनेट पे पढ़िए कोटास के टॉप फैकल्टीज जीबी सर, एनजे सर, आकांक्षा मैम, प्रिंस सर जैसे टॉप टीचर्स के साथ, यानी अब आपकी हर पढ़ाई होगी डॉटनेट ऐप पे। 3 करोड़ से ज्यादा छात्र अपनी पढ़ाई कर रहे हैं डॉटनेट ऐप पे, तो आप भी डाउनलोड करिए डॉटनेट। सेशन भी खराब हो रहा है, 1 ईयर वेस्ट होने का भी उन्हें काफी डर सता रहा है। तो ऐसे में सीबीएसई बोर्ड की परीक्षाओं को लेकर इंस्टेंटली नरेंद्र मोदी जी को कुछ करना चाहिए। एग्जाम्स को लेकर जो है स्टूडेंट्स की पूरी कंप्लीटली जो राय है वो एग्जाम्स कैंसिलेशन पर ही है। छात्र चाहते हैं एग्जाम्स पोस्टपोन बिल्कुल भी नहीं चाहते, छात्रों का मांग है, ओनली वन मांग है कि एग्जाम्स को कैंसिल की जानी चाहिए। तो ऐसे में पूरे देश भर की राज्य सरकार और देश भर के केंद्र सरकार और सीबीएसई बोर्ड से उम्मीद पूरी तरीके से अपील है कि सीबीएसई बोर्ड के छात्रों की बातों को सुनी जाए और क्लास 12 की परीक्षाओं को कैंसिल की जाए। वहीं एग्जाम्स को लेकर आप लोग मन में भी कई सारे सवाल होंगे, एग्जाम्स को कैंसिलेशन करने को लेकर आपके मन में कई सारे सवाल होंगे, नीचे कमेंट करिए, क्योंकि आपका ही यूनिटी है, आप लोग का सपोर्ट ही क्लास 12 की परीक्षाओं को फैसला दिलवाएगा। तो ऐसे में आपका एक भी सपोर्ट में बिल्कुल भी कमी नहीं होना चाहिए। अगर आप लोग सपोर्ट करते हैं तो नीचे यस लिखिएगा, एग्जाम्स को कैंसिल कराने को लेकर जो है नीचे आप कमेंट सेक्शन में कैंसिल लिखिएगा, कैंसिल क्लास 12 बोर्ड एग्जाम्स को लेकर आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, तो कमेंट करना ना भूलिएगा। अभी किस वीडियो में इतना ही दोस्तों, आप लोग का सपोर्ट लगातार है, तो चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि क्लास 12 के रिगार्डिंग हर एक लेटेस्ट अपडेट पे हम लगातार बने हुए हैं। अभी किस वीडियो में इतना ही, जय हिंद।